हेलो दोस्त, कैसे हैं आप। मैं हूं शैलेश पुरोहित और स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, सोशल मीडिया में हम सबसे ज़्यादा इमेजेस फ़ोटो अपलोड करते हैं और हम चाहते हैं कि लोग हमारे फ़ोटो को लाइक करें, कमेंट करें, और इसके लिए हम अपना सबसे बढ़िया दिखने वाला फ़ोटो अपलोड करने का सोचते हैं। और ज़्यादातर हम ऐसे स्टिल फ्लैट फ़ोटो और इमेज अपलोड करते हैं जिसमें कोई मोशन या एनिमेटेड इफेक्ट नहीं होता। मगर दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन ब्रेन, लोगों का ध्यान वहाँ सबसे ज़्यादा जाता है जहाँ पे कोई मूवमेंट होता है। कोई ठोस चीज़ के कंपैरिजन में हमारी आंखें तुरंत वहाँ जाती है जहाँ पे कोई भी हलचल या मूवमेंट होता है। और इसके लिए कई बड़ी बड़ी ब्रांड और कंपनियाँ ऐसे एनिमेटेड जिप फाइल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपलोड करके अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो दोस्तों, आज ये वीडियो लेकर आया हूँ कि किस तरह से हम अपनी कोई भी फ़ोटो लेके उसे मोशन देके एक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। आपका बिजनेस है या आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करना चाहते हैं तो फोटो या इमेजेस को हम एक मोशन एनिमेटेड इफेक्ट देके पोस्ट करेंगे तो लोगों का ध्यान उस पर सबसे ज़्यादा जाएगा। तो आइए देखते हैं फोटोपी ऑनलाइन एडिटर में एनिमेटेड जिप फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आने वाले ऐसे नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप मोबाइल में एडिटिंग करते हैं तो अपने ब्राउजर ओपन कीजिए और उसमें टाइप कर दीजिए www.photopea.com। तो ऐसा एक इंटरफेस आपको मिल जाएगा। सेम चीज़ अगर लैपटॉप या कंप्यूटर में एडिट करते हैं तो ब्राउजर में जाके www.photopea.com टाइप करके ओपन कर लीजिए, तो एक ऐसा सिमिलर टू फोटोशॉप ऐसा एक इंटरफेस हमको मिल जाएगा। यहाँ पे जाके हम सबसे पहले ओपन फाइल में एक इमेज ओपन कर लेंगे जिसे हम एज ए बैकग्राउंड यूज करने वाले हैं। और दूसरा, एक मैंने पहले से क्रॉप करके मॉडल का इमेज कंप्यूटर में सेव करके रखा है, उसे हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। इसको थोड़ा सा स्केल करके एडजस्ट करके प्लेस कर देता हूँ। और इसका थोड़ा वाइब्रेंस बैकग्राउंड के साथ मैच हो जाए इस तरह से हमें थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना है। वाइब्रेंस और सैचुरेशन मैं थोड़ा सा लो कर दूंगा। और लेवल भी थोड़ा उसका एडजस्ट कर लूंगा ताकि वो बैकग्राउंड के साथ अच्छे से मैच हो जाए। ओके, नाउ एक और इमेज यहाँ पे हम लेके आएंगे। एक PNG फाइल बाइक का मैंने सेव करके पहले से रखा है, वो यहाँ पे ओपन कर लेंगे हम। और यहाँ पे लाके इसको स्केल करके परफेक्टली प्लेस कर देंगे। इसका भी थोड़ा लेवल एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा इन्हेंस कर देंगे इसको। सो इतना सेटिंग हमने कर दिया है। अब हमें लेना है टाइप टूल और टाइप कर देना है हम जो भी नेम लिखना चाहते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा योर नेम सिंपल, और ये फॉन्ट मैंने सिलेक्ट किया है। दोस्तों, फोटोपी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इसमें फॉन्ट बहुत सारे टाइप का आपको मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। टाइप टूल लेके इसको सिलेक्ट कर लूँगा और इसका कलर मैं फॉन्ट का चेंज कर दूँगा। येलो कलर रखते हैं हम। ओके, सो हमने दो लेयर क्रिएट कर लिया है। एक पहला है, हम नेम दे देंगे, पहला है बाइक और दूसरा टेक्स्ट। तो ये दो लेयर हमारे पास है अभी, एक बाइक और टेक्स्ट। बाइक को सिलेक्ट करके मैं उसको
लेफ्ट में ले जाऊंगा, क्योंकि वो लेफ्ट से एंटर होगा और सेंटर में आएगा। और टेक्स्ट का जो लेयर है उसे सिलेक्ट करके टाइप टूल पर क्लिक करेंगे और ऊपर आपको ऑप्शन में टैब मिलेगा वार्प, तो इस टैब पे हम क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट को एनिमेट बहुत तरीके से हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वार्प टूल का यूज़ करूँगा। यहाँ पे वार्प के बहुत सारे अलग अलग स्टाइल हमको देखने को मिलते हैं। मैं यहाँ से फ्लैग सिलेक्ट करूँगा और इसको 10 वैल्यू दे दूँगा। ओके ठीक है। नाउ हम दोनों लेयर साथ में सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऊपर जाएंगे लेयर में और यहाँ से हम कर लेंगे दोनों लेयर का डुप्लीकेट लेयर। ओके तो हमें वो दोनों लेयर का साथ में एक डुप्लीकेट कॉपी मिल जाएगा। और अब वो डुप्लीकेट कॉपी हम बाइक का एक लेयर सिलेक्ट करेंगे और उसको ड्रैग करके ऐसे थोड़ा सा आगे लेके आएंगे। सेकंड में हम टेक्स्ट का लेयर सिलेक्ट करेंगे, टाइप टूल पे सिलेक्ट करेंगे और वार्प पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे वार्प में एनिमेशन में हम जो वैल्यू डालते हैं वो 0 से 10, 20 तक 40 जाएंगे, रिवर्स 0 तक आएंगे और फिर माइनस 10, 20, 40 तक जाएंगे और वापस 0 तक आएंगे। इस तरह से हमें हर एक लेयर में वैल्यू डालना है। फिर से मैं यहाँ पे दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लूँगा और डुप्लीकेट लेयर कर लूँगा। बाइक की लेयर को क्लिक करेंगे और उसको थोड़ा सा ड्रैग करके आगे ले लेंगे और नेक्स्ट टेक्स्ट की लेयर पे क्लिक करके वार्प में हम उसकी वैल्यू डालेंगे। पहले 20 था, अब हम कर देते हैं इसको 30। तो इस तरह से हमें दोनों लेयर सिलेक्ट करना है और डुप्लीकेट लेयर करने के बाद दोनों लेयर को हमें मूवमेंट देना है। तो इस तरह से हम दोस्तों डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करते जाएंगे और एनिमेट करते जाएंगे। मैं थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड फटाफट से कर देता हूँ। तो यहाँ पे आगे आगे मैं चाहता हूँ कि बाइक थोड़ी 2-3 सेकंड यहाँ पे रुके और फिर आगे जाए। तो इसके लिए मैं जब भी डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करूँगा तो वो जो बाइक वाला लेयर है उसमें कुछ मैं चेंज नहीं करूँगा, ओनली फॉर टेक्स्ट में चेंज करूँगा। लेयर दोनों हमें डुप्लीकेट करना है मगर बाइक उसी जगह पर हम रहने देंगे, उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे अभी। ओके सो अब इतने लेयर क्रिएट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि अभी बाइक आगे मूवमेंट हो, फॉरवर्ड में आगे मूव हो, तो फिर से मैं बाइक को मूवमेंट दूंगा हर एक लेयर में, उसको थोड़ा थोड़ा आगे लेके जाऊंगा। और टेक्स्ट में हम जिस तरह से वैल्यू डालते हैं वार्प में +10 वैल्यू डाल के -10 वैल्यू डाल, तो इस तरह से हमें कंप्लीटली बाइक को पूरा पास कर दिया है। ओके सो इतना ये सब हमने लेयर एनिमेशन का क्रिएट कर दिया है। उसको अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमें जो टेक्स्ट का और बाइक का लेयर है वो एक दूसरे के साथ मर्ज करना है। तो सेम नंबर का हम लेयर सिलेक्ट करेंगे दोनों और यहाँ पे ऊपर जाएंगे लेयर में और मर्ज लेयर। तो इस तरह से हमें सभी दो लेयर को टेक्स्ट का
और बाइक का दोनों लेयर सिलेक्ट करके हमें एक दूसरे के साथ मर्ज कर देना है। तो इस तरह से हम जितना भी हमने लेयर डुप्लीकेट क्रिएट किया है वो दोनों लेयर एक दूसरे के साथ मर्ज कर देंगे। ओके, तो हमने सब लेयर एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिया है। अब ये करना है हमें कि हम सब लेयर को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जाएंगे लेयर ऑप्शन में और यहाँ पे एनिमेशन नीचे है, एनिमेशन में जाके मेक फ्रेम कर देंगे। तो मेक फ्रेम करने के बाद ये जो लेयर है हमारा वो एक फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके नेम के आगे अंडरस्कोर्स ए अंडरस्कोर्स लिखा आ जाएगा। ओके, तो अब हमारा एनिमेशन रेडी है। हम फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट एज जिफ GIF, वहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा एनिमेशन जिप फाइल रेडी है। तो ये इस तरह से एक मोशन ग्राफिक हम रेडी कर सकते हैं। यहाँ से इसके ऑप्शन देखते हैं, यहाँ से हम उसका स्पीड प्लस माइनस कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे जाएंगे रिवर्स फ्रेम, तो ये जो फॉरवर्ड मोशन हो रहा है वो रिवर्स फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो वो रिवर्स में जो हमारा फ्रेम है वो रिवर्स में प्ले होगा। उसके नीचे एक ऑप्शन है बुमरैंग करके, तो इस पर क्लिक करेंगे तो फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों में एक साथ प्ले होगा। तो ऐसे एक दो ऑप्शन भी यहाँ पे हमको मिलते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी इमेज या फोटो को लेके अपना कोई भी एक एनिमेशन जिप फाइल क्रिएट कर सकते हैं और इसको हम सोशल मीडिया में पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखते रहिए SP Arena और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।